जब हम घरों की सफाई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मकड़ी या तो ऊपर गिर जाए या हाथों में मसल जाए या कुछ भी या काट जाए, तो आपने ये देखा होगा स्किन पर एक रेडिश स्किन हो जाती है और उसके ऊपर कुछ दाग टाइप में निशान हो जाते हैं और कुछ इस तरह छेद छेद से नजर आते हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि मकड़ी ने काट लिया या मकड़ी का जहर फैल गया। कई बार काफ़ी ज़्यादा विषैली मकड़ियाँ होती हैं जो काफ़ी दर्द पहुँचाती हैं और मकड़ी के काटने के कारण कई बार फीवर भी हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अवि लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, यदि मकड़ी आपको काट गई है या मकड़ी आपके शरीर में कहीं भी मसल गई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके सामने ही आपने देख लिया है मकड़ी को कि मकड़ी आपके, इस आदत को तो आप ज़रूर डाल लें। यदि मकड़ी आपके हाथ पर गिरी है कहीं भी, तो आप तुरंत ही उस मकड़ी को हटा के तुरंत ही साबुन से हाथ धो लें। साबुन से यानी कि जिस भी अंग पर आपको गिरी है उस अंग को साबुन से धो लें आप। और सफाई करने में यदि आपके हाथ पर मसल गई है तो भी आप साबुन से धो लें। यदि उसका विष वहां पर फैल गया है तो वह विष हट जाएगा, तो ये मान लो कि वहां पर कुछ नहीं होने वाला। यदि आपने उसे अच्छे ढंग से हटा दिया है, साबुन से धो लिया है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें कब कब में मकड़ी ने काट लिया है या फिर वह मसल गई है और उसका विष फैल गया है। हमें कई बार पता ही नहीं चलता, जब वह हो जाता है उस समय हमें पता चलता है कि मकड़ी ने हमें काट लिया है या उसका विष लग गया है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने काफ़ी उपाय बताए थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा उपाय मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ईजी उपाय होगा। तो आपने ये देखा होगा जो गोबर के उपले होते हैं, गाय भैंस किसी का भी आप उपले ले सकते हो, जो आकार में इतने बड़े बड़े होते हैं, गांव में अक्सर मिल जाते हैं उपले जो होते हैं, तो उसका छोटा सा आपको टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को आपको जला लेना है, यानी कि राख की तरह हो जाना चाहिए वो, उसमें जब वो उसके अंदर आग रहे तो आपको उसके ऊपर ऑयल डालना है। सरसों के तेल का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, उस पर आप एक चम्मच ऑयल को डाल दें, सरसों के तेल को डाल दें, और उसके ऊपर थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है। और जहाँ भी आपके मकड़ी ने काटा है तो उसको आप किसी चीज़ में लेकर, यानी कि जैसे हम पूड़ियाँ वगैरह पकाते हैं ना पानी में, तो आप या तो उसमें रख लें उसको, जो कोर बोलते हैं उसको, जो उपले के जो टुकड़ा है ना उसको कोर बोलते हैं। जब उसको आपने गर्म कर लिया यानी कि जला लिया है, उसके ऊपर आपने तेल डाल दिया और हल्दी डाल दी है, अब उसमें धुआं निकलने लगेगा। यह एक एंटीसेप्टिक का काम करेगा, क्योंकि जो हल्दी हमने डाली है ना, तो आप उसको किसी पौनी वगैरह में रखकर या किसी चमचे के ऊपर रखकर, तो जहाँ पर आपको काटा है उस जगह को ले जाकर उसका धुआं वहाँ लगना चाहिए। उसका धुआं जब वहाँ पर लगेगा, कई बार मुंह पर काट जाती है, कहीं भी काट जाती है, हाथों पर काट जाती है, पीठ पर काट जाती है, तो उसका धुआं वहाँ पर स्पर्श होना चाहिए उस चीज़ का, यानी कि तेल और जो हल्दी का धुआं है ना वहाँ पर लगना चाहिए। तो आप इसको दिन में दो बार कर सकते हैं, और या तो जहाँ पर आपने वो तेल और हल्दी डाला है वहीं से थोड़ी सी हल्दी लेकर, और बाद में जब आप धुआं लगा लोगे उसके बाद उस जगह पर आपको वह हल्दी लगानी है, और या फिर आप थोड़ा सा अलग, उससे अलग तेल और हल्दी मिला लें, और उस तेल और हल्दी को उस जगह पर जब यह आप काम कर लेंगे ना, इसके बाद आपको तेल और हल्दी लगानी है। केवल दो दिन आप इस काम को करेंगे, आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वह जो निशान आपका जो बना हुआ है ना, जो हल्दी उसने मकड़ी ने काटा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और किसी भी तरह का विष भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो हल्दी होती है ये तो आप जानते हो कि यह एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा और बिल्कुल आपके ठीक हो जाएगा। और यदि यह आपके लिए कैसा रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका यह सही हो गया है तो वीडियो को और भी आप शेयर करें जिससे कि औरों को भी लाभ हो सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में।